खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। यूपी की राजधानी लखनऊ, जहां यूपी के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक रहते हैं, पुलिस से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक यहां रहते हैं, इसी लखनऊ में 20 घंटे पहले हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या हो गई। बदमाश आराम से आए और बेरहमी से हत्या कर चले गए, गला रेता, गोली मारी और चले गए। कौन है हिंदूवादी नेता का हत्यारा, अभी तक पता नहीं चला है। क्यों की गई हत्या, जांच चल रही है। कमलेश तिवारी वही थे जिन्होंने करीब 4 साल पहले पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। परिवार वाले योगी सरकार की नाकामी बता रहे हैं इसे। बड़ी खबर अब यह है कि इस हत्या में आज पहली गिरफ्तारी हुई है। विवादित टिप्पणी के बाद सिर कलम करने पर 51 लाख का इनाम घोषित करने वाला मौलाना गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजनौर से गिरफ्तारी हुई है। कमलेश तिवारी हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी हो गई है। सूरत में भी 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और इस वक्त तस्वीरों में आप जो सीसीटीवी विजुअल देख रहे हैं, ये कमलेश तिवारी के दफ्तर के पास की है। खुर्शीद बाग में उनका दफ्तर था और ये जो 3 लोग आप देख रहे हैं घेरे में, 2 लोग जिन्होंने भगवा रंग का कुर्ता पहन रखा है, पीछे एक महिला भी है उनके साथ है, इन पर हत्या का शक है। इनकी पहचान कर ली गई है, तलाश जारी है। इनके हाथ में एक बैग है, उस बैग में एक मिठाई का डिब्बा था। वो मिठाई का डिब्बा सूरत की एक मिठाई की दुकान का था, साथ में कैश मेमो भी था। और पुलिस को ये शक है कि उसी मिठाई के डिब्बे में पिस्टल और चाकू रखकर ये लोग अंदर ले गए और हत्या में उन हथियारों का इस्तेमाल किया गया। बाद में उस मिठाई के डिब्बे को वहीं पर छोड़कर वो वहां से फरार हो गए। इनकी पहचान हो गई है, पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही है। और इस पूरे मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है मौलाना अनवरुल हक की। 2015 में मौलाना अनवरुल हक ने कमलेश तिवारी का सर कलम करने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। कमलेश तिवारी ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद मौलाना अनवरुल हक ने 51 लाख रुपए का इनाम कमलेश तिवारी के सर कलम करने वाले को देने का ऐलान किया था। और 2 मौलानाओं को कमलेश तिवारी की पत्नी के कहने पर आरोपी बनाया गया था, मुफ्ती नईम कासमी और मौलाना अनवरुल हक, जिसमें से एक मौलाना अनवरुल हक को बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि मौलाना अनवरुल हक की पत्नी का कहना है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही सूरत में भी 7 लोगों से पूछताछ की जा रही है, हिरासत में लिया है पुलिस ने उनको, उनसे पूछताछ कर रही है। कल खुर्शीदबाग में कमलेश तिवारी की उनके दफ्तर में हत्या हो गई थी, एक सुरक्षा गार्ड जरूर मौजूद था, लेकिन पुलिस को अंदेशा है कि ये लोग जिन्होंने उनकी हत्या की है वो परिचित हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग करीब आधे घंटे तक पहले कमलेश तिवारी के दफ्तर में मौजूद रहे, उसके बाद हत्या की और फिर वहां से फरार हो गए। और वो जो मिठाई का डब्बा मिला, उसके आधार पर सूरत में भी छानबीन शुरू की गई, पुलिस ने उस एंगल में भी जांच आगे बढ़ाई। 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और मौलाना अनवरुल हक को बिजनौर से गिरफ्तार किया गया है। और ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये वो मिठाई की दुकान है जहां से मिठाई खरीदी गई थी, और उसी डब्बे में, इसी मिठाई की दुकान का डब्बा था, ऐसा ही डब्बा था जो कि देखा गया था सीसीटीवी फुटेज में, संदिग्धों के हाथ में कमलेश तिवारी के दफ्तर के बाहर। और माना यह जा रहा है कि इस डब्बे में मिठाई नहीं थी, इसमें असलहा था, मौत का सामान था, जो हत्यारे संदिग्ध जो थे कमलेश तिवारी के दफ्तर में लेकर आए। यही वो दुकान है, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड के तार जो थे वो सूरत से जुड़ रहे थे। सूरत की दुकान से मिठाई खरीदी गई, मिठाई के डब्बे में हथियार लेकर आए थे संदिग्ध। और कमलेश का परिवार इस पूरी घटना के बाद बहुत आक्रोश में है, बहुत गुस्से में है, गमगीन जरूर है, लेकिन उनका गुस्सा किसी भी सूरत में कम नहीं हो रहा है। प्रशासन पर हिलावाली का आरोप लगा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि कमलेश लगातार सुरक्षा की मांग कर रहा था, योगी सरकार ने सुरक्षा क्यों छीन ली। कमलेश तिवारी की मां का क्या कहना है इस पूरे मामले में, एक बार वो भी सुन लीजिए। हाँ योगी सरकार, तुम्हारे पीछे हम लोग गल्ली गल्ली घूमे, तुम्हारे लड़का मरवा डराये। हाँ योगी, कहा करे हो मेरे साथ तुम कार, हम लोग बड़े दीवाने रहन, साधु के नाते दीवाने रहन। योगी हमारे बच्चा का हटवा मरवा डराए नहीं, योगी सरकार हमका इंसाफ दे आए, हम योगी के सामने प्राण त्याग ही दे बे दादा। हाँ सब मर जाए, हम सब मर जाए उनके पीछे। तो कमलेश तिवारी की माँ को आप सुन रहे थे, रो रो कर उनका बुरा हाल था, योगी सरकार को वो जिम्मेदार ठहरा रही थी। उनकी पत्नी क्या कह रही है उनको भी सुनते हैं। उनके नीचे कोई चेक करके नहीं, कोई था नहीं नीचे, ड्यूटी वाले बुढ़ा था एक बेटा, वैसे चले गए ऊपर, अगर चेक करके गए होती तो सब वही मिल जाता, पिस्टल चक्कू सब कुछ लेके गए रहा ऊपर।
तो नीचे झारा लेती उस लोग जी को उठी वाले, तो जब नीचे मिल जाता तो आदमी ना मरते भैया। हम ज्यादा किसी दान नहीं देते थे, हमने देखा नहीं कमों को आए हैं। सगा पहन के वो ऊपर गए हैं और ये सो रही थी उस समय। चाय बना के पिलाई थी क्या आपने? लड़का है मेरे, मनु चाय बना के पिलाई था, बरा खिलाई। फिर वो लोग नीचे चले आए रहे दोनों बच्चे, एक लड़का था उसको मसाला लेने भेज दिए थे बाहर। जब से मसाला लेके आवा आवा तब तक उनको मार के चले गए। कमलेश तिवारी हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी हो गई है और बिजनौर से एक मौलाना को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस हत्याकांड में जो सबसे बड़ा सबूत है वो है सीसीटीवी वीडियो। सीसीटीवी वीडियो उसकी फुटेज जिसमें ये संदिग्ध हत्यारे नजर आ रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो तीन संदिग्ध नजर आ रहे हैं इनमें से एक महिला भी नजर आ रही है। एक व्यक्ति के हाथ में पॉलिथिन नजर आ रहा है जिसमें मिठाई का डब्बा हो सकता है, और इसी डब्बे के बारे में शक पैदा हुआ था कि इसमें मिठाई नहीं थी, इसमें वो हथियार थे जिनका इस्तेमाल हत्याकांड को अंजाम देने में किया गया। लेकिन सवाल ये कि इसमें ये महिला क्या कर रही है? ये जो तीन संदिग्ध नजर आ रहे हैं, दो पुरुष और ये महिला, इस महिला का आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है मांद्रा, आखिर इस महिला का क्या कनेक्शन है और कौन है ये महिला? हालांकि जो जानकारी मिल रही थी कि दो लोगों को पुलिस ने पहचान लिया, लेकिन ये महिला आखिर कौन है? और दूसरा सबसे अहम सुराग है वो मिठाई का डिब्बा जो घटनास्थल से कमलेश तिवारी के शव के पास से बरामद हुआ। सूरत की एक मिठाई की दुकान का वो मिठाई का डिब्बा था और पुलिस यही शक कर रही है कि उसी मिठाई के डिब्बे में हथियार रखकर अंदर ले जाए गए। रणवीर जुड़े हुए हमारे साथ, हमारे संवाददाता, इस वक्त सीधा उनके पास चलेंगे। रणवीर, एक मौलाना की गिरफ्तारी बिजनौर से हो गई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जो तीन लोग नजर आ रहे हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? और सबसे अहम सवाल, वो महिला कौन है? जी, यही सवाल अभी भी बना हुआ है। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आखिर जो तीन लोग हैं उसमें एक महिला कौन है और जो दो हमलावर हैं वो हमलावर कौन है। भगवा कपड़े में आए थे। मेरे साथ ऋषि हैं जो कमलेश तिवारी के बेटे हैं और कल ये उसी घर में मौजूद थे जहां पर हत्या हुई। ऋषि, ये बताइए कल क्या हुआ? कल 12:30 के बीच में, 12 बजे के बीच में, 11:30 बजे के बीच में दो लोग मिलने आए। अच्छा, कोई महिला आई थी क्या? पहला महिला नहीं आई थी, नहीं, सिर्फ दो ही लोग आए थे आदमी। पापा ने ऊपर बैठा ला उनको। पापा ने कहा बेटा दही बड़े लिया, इन लोगों के लिए दही बड़े ला के खिलाए, पानी पिलाया। फिर मैं नीचे चला गया रोहित के साथ में, जो रोहित ड्राइवर है, पापा का ड्राइवर, मैं और वो नीचे बैठे हुए थे। और सौराजजीत सिंह जो वहाँ से कुशीनगर से आया हुआ था वो मसाला लेने गया। अच्छा, जो आए थे उन्होंने कोई नाम बताया? नाम मैं नहीं सुन पाया, नहीं। और अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड था कि नहीं? सिक्योरिटी गार्ड था, वो सो रहा था। जो हाँ मेन गवाह है उसको पुलिस ने हिरासत में ले रखा। अच्छा, उसके बाद जब ये लोग फायरिंग किए उस वक्त कमरे में कौन था? उस वक्त मेरी मम्मी थी, वो पीछे थी, लेटी हुई थी। हाँ, उनको आवाज़ नहीं आई थी। अच्छा, गोली चली आवाज़ नहीं आई, वो सो रही थी। उसके बाद फिर और ये लोग आए थे पैदल? हाँ, पैदल ही आए थे ये लोग। वापस कैसे गए? वापस इतना देख नहीं पाए हम लोग सीधे पापा के पास गए, देखा कि वो पड़े हुए हैं, मेज वेज उल्टी उल्टी पड़ी हुई थी, खून उनसे लथपथ थे, तो बस। तो देखिए, बेटे हैं, भतीजे भी हैं, आप क्या कह रहे हैं? एक ये साजिश के तहत हुआ है और ये शासन की बहुत बड़ी लापरवाही। अच्छा, ये बताइए, कल आप लोगों ने कहा कि अनवारुल हक और नईम काजमी ये लोग धमकी देते थे, ये लोग दोषी हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये दूसरा जो मामला प्रॉपर्टी का, शिव कुमार गुप्ता का, ये दोनों मामले क्या हैं? नहीं, अलग हैं। इसका इससे जो है, इस हत्या से प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं। कमलेश तिवारी के हत्याकांड से जुड़ी हुई बातें आपको बता रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले दोनों हत्यारे अपने साथ एक मिठाई का डब्बा लेकर आए थे। वो सूरत की एक मिठाई की दुकान का डब्बा निकला, सूरत के उसी मिठाई की दुकान में पहुंचे धनराज वागले।